कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगन्नाथे गोपेश राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हनुमते वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णदेवादाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य गौरतिसे नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः 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 भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण सर्वप्रथमे मो संग्राम जी प्रभु और आप मान समस्त को बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करछि जेतु आपन माने सुजग प्रदान करछथि भगवान को विषय रे किछ चर्चा करिया पई तबे आज ये माने श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय पांच नंबर श्लोक को चर्चा करिला व्यासोवाच अस्तैव मे सर्वमिदम् अस्तैव मे सर्वमिदम् अस्तैव मे सर्वमिदं त्वयक्तम् अस्तैव मे सर्वमिदं त्वयक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तम् अगाधबोधम् इच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम् इच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम् अस्तैव मे सर्वमिदं त्वयक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलम् अव्यक्तम् अगाधबोधम् इच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम् व्यास उवाच अस्तैव मे सर्वमिदं त्वयक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलम् अव्यक्तम् अगाधबोधम् इच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम् कोई पढ़ना चाहे चरण का या फिर शुरू करना
व्यासोवाचा अस्तेवमे सर्वहितं त्वत्तम अस्तेवमे सर्वहितं त्वत्तम तथापि न आत्मपरिपुष्यति मे तथापि न आत्मपरिपुष्यति मे तन्मूलम् अव्यक्तम् अगाधभूतम् तन्मूलम् अव्यक्तम् अगाधभूतम् पृच्छामि आहे त्वमत्तभूतत्वभूतम् पृच्छामि आत्मभवात्मभूतम् व्यासोवाच अस्तेवमे सर्वमिदं त्वयोक्तम् समस्ते जहाँ शरीर चेतन रही तेणु जो ज्ञान आम पाखे रही भौतिक जगत संबंधी जो ज्ञान आम पाखे रही शरीर एवं मन संबंधी ज्ञान तेणु यह हूँ आम जगत अशांतिर मूल कारण तेणु एठारे भगवान नारद प्रभुपाद देखते भगवान नारद मुनि व्यासदेव समस्या रही कारण को जानी पारले जदियो भगवान व्यास जन असाधारण व्यक्तित्व थिले असाधारण ज्ञान अधिकारी थिले एवं से समस्त मंगल पाई कार्य करथले तेणु से नारद मुनि भाई जन व्यक्तित्व शरण ने समस्या समाधान करने कारण नारद मुनि से जानी थे नारद मुनि समस्या समाधान परवर्ती श्लोक मानक समस्या समाधान अर्थात व्यासदेव जीवन में जो समस्या अच्छी नारद मुनि समाधान तेरे आज जो श्लोक टी मुझे देखो ये श्लोक श्रीमद भागवत प्रथम स्कंद भागवत चरित्र प्रारंभ हो भगवान व्यास प्रश्न करते नारद मुनि तेरे महाभारत गोटे श्लोक रही व्यास उच्चिष्टमय सर्वम जगत ये जगत जिते बड़ विद्वान अच्छा जहां को भी विद्वान कहुए विद्वान शब्दर पारिभाषिक अर्थ जदि बुझाजे समस्ते जी जहाँ भी कहते जहाँ पाखे जेकोसी ज्ञान अच्छी व्यास कृपा व्यास कृपार व्यक्ति ज्ञान प्राप्त हो से भगवान व्यास व्यास कौन से साधारण मरण धर्म मनुष्य नु भगवान जन विभूति भगवान जन अवतार तेणु सी आज कौन कर मंद उद्देश्य नु समग्र मानव समाज कल्याण निम्ते ग्रंथ रचना कर समस्त उद्देश्य उद्देश्य समस्त मंगल कर महान कार्य कर जीवन में कौन हो असंपूर्णता आसूच शांति पाई उपस्थित समस्त जीवन में गोटे अनुभव थी
जेंति गुटे गुटे दिन आपन जीवन में देखिबे सब किछि भलो थे किंतु आपन मन आपन को ऑपरेट कर आपन किछि भल लागे आपन को जहा भलो लागे खाइए नै से आइटम नै थे जे मु व्यक्ति के सहित मिसले आपन भल लागे से भी घर को आस्ते किंतु आपन मन को ऑपरेट कर समस्त को सेंति किछि नै किछि अनुभूति थियो जीवन कहे कि ना इठी भगवान देखो चंती ये जगत रो ना का कौन दुखाल जिंती अपन माने सुनते दुखाल आले माने कुछ पर चंत कौन आले शब्द रो अर्थ कौन भार ये जगत रो कौन प्रभु अपन क्लास दो पास थी फर्स्ट टाइम आस चंती थे ये बड़ा निरुत्साहित अपन ना कथा का ही कोच कि ना नीति शास्त्र को है जे वैद्य जे सद्वैद्य जे सद्गुरु से केवे हेले मिथ्या प्रवचन दियते मिथ्या प्रवचन करंदे का जेते भगवत गीता रे पाजे जा इमाम पुष्पिता वाचा किछे फ्लावरी वर्ड्स छ जे नवा छ तब कह जे ने दत्ते के जोर बहुत सवा सब रे आनंद किछे ने प्रभु केवल अपन आसी संडे क्लास को आसन तो सब रे डेफिस्ट को आसन प्रसाद मान फास्ट मोर जने बंधु थे से फास्ट पचारले प्रभुपद कहते आपण मैंने जे जन अच्छे समस्त वर्षे आसपाई मोटे बंधु थे समस्त एक पढ़ुले विद्यार्थी जीवन सी कहले मुझे जो भक्त को पचारे आपण मैंने फल खाई खाऊ सी भाजे साधु मान फल खा सी बुझीपारे सी कहते फल खाई स्वास्थ्य भल प्रथम तो यह कही कलेज अणाई तुम्हें आस प्रसाद पाइब भगवान को दर्शन तापरे से जति किछि दिन आसले दि चारटा संडे क्लास पर हम कहले आपन गोटे माला चैंट जप करतु चैंटिंग मेडिटेशन तापरे तम पर चारि माला जप करले भलो हते तापरे तम 16 माला जप कथा करले पड़िया से 16 माला जप भीतर से कहले आज काई के अपना नै आज एकादश से मुझे पर कौन से त तक लग गया प्रकार खाया पे दिया से तो सी व्यक्ति से ताकर तब बहुत बप लगे से बहुत तरह खाते थे घरे आ साधारण घरे अपना घर में मिनिमम तीन चार थर पांच थर खाइल अच्छे सकाल टिफिन तक दसटा बेलू कि पुणी अफिस आसला कि पुणी चारटा बेले कि पुणी सन्दा बेले टिफिन पुणी रात पुणी सिडुल पूरा अलग तेनालीर नुआ नसिक पचारे फास्ट रू कहते सब खुशी जिनपर कहीं दीटा एकादशी करने को पड़ो जप करने को पड़ो तो आप भक्ति जीवन टाइम भल लगे कह प्रे आध्यात्मिक जीवन आपको भल लगुच ना नहीं बहुत भाग्यवान मुको भावे जगत रे कौन हुए गोटे जिन देखिए मुझे ये एरिया को आसली स्टूडेंट लाइफ में थी मोर मन अच्छे 2003 रे जो आईएस अफसर को घर को आसते एक्जाक्टली मन पकड़ से मैंने कहे कि इसको मैं बिजनेस करूँ तो खराब लगे मुझे आप मतलब जब पाँच मिनट समय दे आप देखे मुझे बिजनेस अर्थ मत आप बुझा पड़ते बिजनेस किसी प्रॉफिट मोटिव था बिजनेस मान प्रगत मान चीटिंग प्रोपेंसिटी था बिजनेस मान से जिते भी कौन आज किण दाम दौचे से किसी लाभ रखे जिते व्यवसाय लोक मैंने निज लोक को भी से निज पत्नी को भी तार लाभ रखुत लोक अच्छे तार पर लोक भी लाभ रख कथबार्ता किंतु आध्यात्मिक जीवन में कौन हुए आम ये कथा कहे आप मानने बहुत भाग्यवान ये आप मिथ्या कथ कहते बहुत भाग्यवान आते पर्यत आम निज भाग्यटा को नजाणीवा जे आम के बड़े योग्यता श्रीमद भागवत एकादश स्कंद दशम स्कंद अध्याय 35 से गोटे बहुत सुंदर कथा वसुदेव क्या कहते ना भगवान को कहते जे जो महत वस्तु जन को मिल जाए व्यक्ति कौन कर सदव्यवहार कर जदुवंशी मान को सुखदेव गोस्वामी हतभागा कारण से भगवान सदव्यवहार कर बहु जन्म भाग्य पड़े बहु जन्म भाग्य पड़े माने कौन हुए ना व्यक्ति साधु संग में बस बार सुजोग मिले जमती आप जे गेस्ट को डाक सी आपण घर को आश्चित आप स्वीकृति अच्छी आमती आप जगन्नाथ दरबार को आसचार कर देख जो इच्छा न था बस था
तेणु केते बड हमरा भाग्य तेणु तेते हम बुझिया दरकार जे भक्ति काहे की करे भक्ति कोन लाभ अछि लोक बेले पचारन भाई तुमर गार्जियन रे किछ नाही जेने किछि लोक कोन साधु कि सापर नै पे पे जे यंग बॉयस युवक बॉयस रे साधु कहि ओडिसा रे विशेष करी कोई यार किछ शारीरिक डिफेक्ट अछि हमरा जे दोष अछि या शरीर रे से पे ये साधु होइ छै नटा गजम पाठशाला तो किछ हेलानी से लगी बाबा जे आगे डी पहुंचे जगत का दुख में ना हम तो दी दुख लग घरे कौन दुख है जी भालू स्लीप ले उसका कितने सुख का घर जगत का पूरा आनंद में कहीं भी छोटा छोटा लोगों को कोई खाने मार भी डाल चुके किंतु घरे कितने आनंद अच्छी से डाल आज हम ने सुनी बा कारण हम भगवत शास्त्र में पहुंचे जज आचरति श्रेष्ठ भगवान कहते महत व्यक्ति मैंने जो गोटे आचरण करती अनुभूति साधारण लोक मैंने शिक्षा आउ आज भागवत जो मान चरित्र अच्छे भागवत हूँ एक्सट्रीम एक्सट्रीम जिनस को भगवान भगवान देखी जगत टा कौन भागवत माध्यम देखी बेले बेले लोक मैंने कौन भावती लोक भगवान को भक्ति कल मो को मर मु भगवान को प्रणाम करके मंदिर को मोर रहा 98% से जम्मा भगवान को भक्ति को नहीं करना 99% रहे काहे की मोसे सब काहे भक्ति करे समस्त को मन भीतर अछि बी ऑनेस्ट डिवोशनल लाइफ रे प्रॉब्लम परस कोचले प्रत्यक्ष अवगमन कर्म कर्तुम सुशिक्ष मपय डायरेक्ट रियलाइजेशन एडी ते लुचा सफा कथा न ओपन निन हम के भक्त न था काहे जानत को जीवन को दब सक्रिमेंट्स कई को कि बहुत आनंद अछि इतने आनंद जड़ बन के कल्पना करि पा आडा के कहि पर जे नीचे आनंद हम बहुत ही हाई हाई रखि बैठी आसी कि जे भूल बड़ भूल डिसन नहीं गेल ब्रह्मचर्य तार साधु ही भूल भूल कर दे तने को कह कहि ते भक्त न को कह कहि पर बा जदि को कह कहि से बदर किस प्रभाव पड़ियो मुडी कथा बहुत साधु मान तरे जने मा जने तर वो बहुत मीठा था तदा तो भोग खाए जहाँ कहले से मीठा खाए चले तेणु से जाऊथवा अवस्था हॉस्पिटल को जाऊ जो साधु एमती बस थी बाट से बाबा टी कौन कहले कि मीठा खाए छाड़ से कहले माँ तुम आज सप्ताह आस से कहले बाबा कि कौन दे से नेक्स्ट वीक रे आसला जो साधु जन का भोग कर बाबा तू आज मीठा खाइल कहले बाबा तुम्हें मत इत हैरान कर मुझे डेली एक कथा दस थर कौच से मो कथा जमा शुणी एक कथा कहते जान जन भगवान बट डेली तक कुछ मीठा कर सकता साधारण से मार कर तो देख मां तुम इतने मते कर मु मीठा खाओ तो मु तो के मना कर जे मु तू मीठा खाले तो मु ई सप्ताह सारा टोटल मीठा खाए आ देख से आज मीठा खाए सतु सतु से साधारण का जो रास्ता से मीठा मीठा देख के खाए एकदम से इसको मिसर लोग माने बहुत बड़ा बड़ा व्यक्तित्व माने धर्म रा जमन को ध्वजा कह जाए से माने बहुत प्रकार टिप्पणी दे कारण ये जगत रे भगवान व्यास महाभारत रे वर्णना कराय छी हमर समय जगत रे जन्म होबा प्रत्येक व्यक्ति पर जीवन रे किछ ना किछ अभाव छ सेते परम पूज्य श्री राधा कृष्ण गुरु महाराज कहंती जे हमको जीवन रा शेष निश्वास पर्यंत एक विद्यार्थी के रहि गरा छ आ विद्यार्थी रा कोन लक्षण भगवद गीता रे कहले विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तेनि सुनिचैव सोपाकेच पंडितः समदस्यन आ विद्यार्थी रा गोटे गुण रहा दरकार कौन ना बिना सेठे के शास्त्र कहा को कृपा करती ना शास्त्र रा रहस्य को की बुझी पारे ना जहां पाखरे विनयता था कृतज्ञता था गुरुजन पर अनुगत्य था नच विद्या के बहने ता सफलित करो तमे इस कौन रे कौन है ना आओ किछि करिश्मा देखा जाउ कि न जतरे प्रभुपाद महापुर रे गंगा पार होते पण माने माया कुंड क्षेत्र टूर नहीं की जाती मायापुर अपन बोट रे जाउ छले तो प्रभुपाद का शिष्य मान से तो विदेशी भक्त मान के विदेशी लोग मान थे तो बेंगलोर लोग मान हम देखी ईर्ष्या नहीं इकडे सो साधु है से मान गांव जे आमे केवल भारतीय लोग मान से नाना प्रकार करार कार्य करी से के नाके टा हमरे इच्छाटे संत आओ के ता पाई तो से विदेश लोग के आश्चर्य नहीं पूरा बाहर आश्चर्य नहीं लच्छा बड़ा काम को नहीं भक्त आके तेनो सी हटात सब वस्तुने विदेश लोग माने प्रभुपाद के सहित डंगा को अपेक्षा करते डंगा आसला मतलब टिकट कटले गन हटात से समय रे जने लोग एमे गैरिक वसन थारे लोग से कोन का गंगा पर चली के पड़े आ गंगा जान छन त कोन भगवान का चरणामृत
त्रिभुवन पावती गंगा को त्रिभुवन को जे विशुद्ध कर ताको ऊपर लोग चल के पड़े आ पछरे बसन के प्रभुपाद से विदेशी लोग जी मन भारी संदेह जीवन जीवन का को विश्वास कर के प्रभुपाद को विश्वास कर जब इतने संदेह जे निजर स्त्री पुत्र कहा को विश्वास कर सी सब वचन ताको मन में कितने प्रश्न आस्तो पारो प्रभुपाद बोलते साधु नुहे प्रभुपाद तो कहीं परिस्कार देखे ना पानी पर चलना केवे निहारे चलना केवे विभूति भाषण देखे ना कृष्ण भक्त बहुत गंभीर से छोटकाटे से जिनस देखा भक्तिर महिमा शुणी आम जीवन बहुत उच्च लोक अच्छे प्रभुपाद बस प्रभुपाद बहुत धीरे बस प्रभुपाद विदेश लोक मैंने प्रभुपाद को देखी छोड़ जीवन ये जीवन में देखते गोटे जिन मन रखे आप बहुत टा रोजगार करें बहुत सम्मान आपको मिल कि जीवन रोटे दोष निज चेष्ट बदल पारे एटा भगवत गीतार आध्यात्मिक जीवन प्रथम सोपान फास्ट चैप्टर भगवत गीतार यहाँ एसेन्स अर्जुन भाला व्यक्तित्व से जीवन में प्रायोरीटी दे भगवान को युद्ध क्षेत्र से कथा शुणे फास्ट भगवान को शुणा चाहते स्पिरिचुअल लाइफ टेस्ट पाइबा शुणा पड़े क्या शुणा पड़ो ना रियलाइज शुणा पड़े रियलाइज आम रियलाइज सोल है प्रयास रियलाइज सोल रहा कह जो मैंने रियलाइज जी रियलाइज सोल रहा कथा किसी भाई प्रभावशाली से देखिए कितने प्रवरियते नूतन के सुंदर सेवा कर भगवान कथा जी से जीवन आचरण जैसे आचरण कर प्रभाव प्रभुपाद शिक्षार ये बड़ अच्छे जाना दरकार आम कौटी अच्छे कौ जिन पाइपर जदि आम सीरीयस प्रभुपाद कहते कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट ओनली मेड फॉर सीरियस स्टूडेंट्स जदि आम सीरीयस आम ये बड़ स्थित को पाई भगवान आम को डाक आनी सभा अरे भगवान को पाइला दुखी हो भगवान को पाइला मो जीवन समस्या अच्छे बड़ अबागा लोक जमी गंगा कूल रही उपवास रणक पंडित जहाँ अवस्था आम अवस्था से भगवान को जीवन में आने पर भी शुद्ध हो पार आम मन शुद्ध हो पा मन विकार आसमें समस्या ग्रस्त हो तेणु प्रभुपाद कले आज सम्मान पाइबार जरा भोग अच्छे से खेल चुपे बस पाए सम्मान भोग हूँ हिरण्यकशिपु इतने सम्मान जहाँ को श्रीमद भागवत प्रथम स्कंध गोटे श्लोक अच्छे भगवान नारदमुनि को एक वीणा दे स्वर कौन भगवान नारद मुनि से वीणा बजे बजे कौन करती नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण ना भगवान अमल जश कीर्तन करते वीणा ध्वनि को से शब्द को जी शुण स्वर ब्रह्म विभूषिता समस्ते भगवान को प्राप्त हो जाए से वीणारे हिरण्यकशिपु भी गुणगान कर नारद मुनि इतनी के गुणगान शुणिक भी सी खुशी हो पारे जो प्रहलाद महाराज प्रहलाद आह्लाद गायन आम गाँव प्रत्येक दिन कृषि प्रणाम प्रहलाद महाराज जो आनंद पाते देखिए हिरण्यकशिपु को जल से लगी भक्ति आम कहीं ना जिते जीवन में अर्थ रोजगार कले जिते ज्ञान प्राप्त कले भी भगवान शरण न नब तेज जीवन में केवे शांति पाइपर तेनाली प्रसंग मु आरंभ कर व्यासदेव मूल श्लोक को भी आस श्लोक सहित आने चर्चा करें कहीं भक्ति करा दरकार प्रभुपाद जा बाहर जितने जो भी जीवन विदेश भक्त मान सीपट जाऊँ कह स्वामीजी आप टिकेट कहीं काटे सी देखा चाहते ना मोर यहाँ बाहर जी मुझे बर्तमान गंगाकूल गंगा नदी पुरी चल पड़े सी पचार प्रभुपाद प्रभुपाद चुप थे प्रभुपाद कहले आपण ये विद्या हासिल करेंगे विद्या पा जल चल गोटे विद्या अनेक समय लगे प्रभुपाद बहुत विनम्र भाव पचार से कहे सी जी जार सम्मान मौका थी सी निजर जश को कहवापी मानने दस मुख से वर्णना कर तेणु सी कह आज मुझे सात वर्ष अभ्यास करी प्रभुपाद कहे ये आप बयस ना छतरी वर्ष प्रभुपाद सागे सागे रिप्लाई दे जीवन इतने बयस आप नष्ट करदे सी भाव प्रभुपाद आश्चर्य प्रश्न करें
प्रभुपाद कहले आपण जीवन एते मूल्यवान समय नष्ट करले आ यार दाम केते सेई समय 75 पैसा थिले प्रभुपाद के समय गंगा पार होबे मात्र 75 पैसा थिले गंगा एयरपोर्ट से पडुका आसे जितुसी पत्र प्रभुपाद आपण कोण अन्न आश्चर्य दिछ दे प्रभुपाद के मोर आश्चर्य मो पछाड़े आछ माने जो मानकर माने जीवन दिनचर्या थिला देविचार कर परस्त्री गमन दैनदिन कार्य मध्य मांस जहाँ भोजन थी से बर्तमान जीवन में शांति वार्ता प्रचार कर महात्म्य मो हिसाब से जी आम कि खराब गुण को भल पराला बड़ उपकारी जगत रही ना आप देखिए निजे चेष्टा कर गोटे दोष को बदल दे जगत में कहीं ये जन्म ही ना निज चेष्टा निज दोष को पर से अर्जुन प्रथम अध्याय भगवान को बहुत विद्वत्तापूर्ण वाक्य कही अर्जुन प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय प्रारंभ में भी सात नंबर श्लोक पर्यटन से जारी रखी भगवान भगवान कहे आप मत कहते भीष्मदेव को मारियां भगवान देख भगवदी कौन कले रथ टा को आन उभर मत प्रथम स्थापन मुझे देखिए चाहिए कि भगवान कौन कले रथ टा को रखिले भीष्मदेव सामने कहीं अर्जुन सब दुर्बलता था भीष्मदेव प्रति आम जीवन रथ को भी भगवान आने जहाँ प्रति दुर्बलता थी तारी आगे जीवन आप देखिए कि खराब भाव मो कथा सत्य कथा स्वीकार करें पड़े आपड़ी निरपेक्ष भाव देखिए आम जीवन में क्या बेस कष्ट जहाँ को बेस भगवान अर्जुन कह मार अर्जुन कह आप सन्दीप मारे मत कहते मो गुरु को मारे आप सन्दीप मारे मत कहते जानते प्रभु महाभारत वर्णनाथ जो शिशु थी मुझे ना छोट बड़े पिला पिलावस्था क्रीड़ा सब खेल भीष्मदेव कौन कर श्वेत वस्त्र पिंधन मुझ सीधा आसिक बाबा कह चढ़ी जाए भीष्मदेव संपूर्ण लुगा कौन हुए महिला गोटे दिन भी भीष्मदेव के मो प्रति राग ना आप मत कहते मारे लोग कहते तुम इतने भल पाओ से मो मुह को चाहिए भागवत सभा ये साधुर सभा ना मानव जीवन को परिवर्तन कर दिए व्यक्तित्व व्यक्तित्व को परिवर्तन कर दिए चिंता शैली को परिवर्तन कर दिए समस्त जमी भावते साधु से भाग जहाँ निशा सर्वभूता तस्म जागृति संयम आम जहाँ करुचे पक्षर उद्देश्य को जानवा दरकार कौन पाई कौन पाई साधु कौन पाई भक्ति करी जगत में बहुत लोग अच्छे जहाँ तो भक्ति कर जीवन कौन असुविधा अच्छे मुझे भक्ति कर मोर कौन दरकार जीवन भक्ति कर तेणु अर्जुन रथ को भगवान कौन कले मझे रखीदे आगवान चुपचाप ही बस भगवान देखते फास्ट चैप्टर पूरा चुप बेले बेले लोक मैंने कहते फास्ट चैप्टर टा काटिद किसी ना भगवती दे फास्ट चैप्टर कहीं रखी फास्ट चैप्टर हूँ सब इम्पोर्टेंट चैप्टर भगवत गीता कारण फास्ट चैप्टर भगवान देखते किए भगवत गीतार किए ये धन आप अधिकारी किए तेनालीर गोटे कथा कह तुलसी दुई पत्र देख भगवत गीतार भगवान दुई जन को देखा प्रथम देखा अर्जुन विनम्रता आवितर देखा दुर्योधन दुष्ट देखते अर्जुन भगवान शरणापन्न होती अर्जुन कम्प्लेन करना केशव आप कहीं मो सहित एमती कले आप कहीं मत युद्ध पिस्थित अर्जुन एक कथा कहना अर्जुन कौन पचार यार संघन कौन करश्न मो तो जीवन कह रि कल मो जीवन कहीं मानते इंतजार समस्या आस प्रश्न कौन हवा दरकार समस्या आस दुका दुखाड़े दुख ही मिले तुम सुख कर दुर्योधन कौन कले गुरु को गुरु दोष देखा द्रोणाचार्य कह बड़ भूल कले विद्या शिखे सी वर्तमान आपंकर सेपटे सेना देखिए मारे तेणु निज आखिरे निज भूल को देख कहीं मनरे भय अच्छी द्रोणाचार्य दुर्योधन देखी सारा अर्जुन बर्तमान गुरु को सम्मान दे अर्जुन सम्मान प्रदर्शन शैली कौन ना सी बाण मारे बाण आसिक रथ आगे लगे तीन गुरु आ गुरु मान भी सेम रिप्लाई
ସେ ବାଣ ମାରିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୋ ପାଖରେ ଗଲେ ଆମେ ତୋ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବୁ। ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଇଟା ଦେଖି ରାଗ ହେଇଛି। ତ ସିଏ କହୁଥିଲେ ମାନେ ସେ ଯାହା ତା ମନରେ ଆଉ ଖରାପ କଥା ଅଛି ସେଟା ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଥିଲେ ରେ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମର ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମର ଭୁଲ ଦର୍ଶେଇ ଦଉଛି, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧରେ କୋହଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜଗତରେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମର ସ୍ଥିତି କଣ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସଫଳ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଟେଷ୍ଟ ମିଳିବ। ଏଇଠୁ ହିଁ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରରୁ ହିଁ ଧ୍ୱନିତ ହଉଛି ବହୁତ ଜିନିଷ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାରେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା, ଅର୍ଜୁନ ବହୁତ କଥା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମାରିବିନି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁକୁ ମାରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏ କାମ କେବେ କରିପାରିବି, ୟାଠୁ ଭଲ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଘରେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ସାଧୁ ହେବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ କଣ କି ସାଧୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଯୁବ ପିଲା ଆସି ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ଜଏନ କରିବି, ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛି କି ନାହିଁ, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପାଇଛି। ସେ ରାଧାନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଇସ୍କନ ଜଣେ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜଏନ କରିବାକୁ ଆସିଲା, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ମହାରାଜ ପଚାରେ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଖାଲି ସମସ୍ୟା, ପ୍ରତିଦିନ କିଏ ଏତେ ଖିଚ୍ଖିଚ୍ ଶୁଣିବ, ସାଧୁ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ମୁଁ ଠିକ ଦେଖୁଛ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ମହାରାଜ କହିଲେ ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଆଜି ଦିନକୁ ପାଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ନଅଟା ବେଳେ, କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ଡେଲି ଖିଚିଡ଼ି ହବ, ମୋର ମନେ ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, କରୋନା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଲକଡାଉନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ, କହିଲେ ଆଜିଠୁ ମାସ ସାରା ଖିଚିଡ଼ି ଦିଆ ହବ, ଦୁଇଟା ତିନି ଦିନ ବି ଖିଚିଡ଼ି ହେଲା, ସକାଳେ ଖିଚିଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖିଚିଡ଼ି, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନ ବେଳକୁ ଆସିଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ତେଣୁ ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ସେଟା ନା ଆଜ୍ଞା କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହବ, ଏତେ ପିଲା ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆଇଆଇଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏତେ ଏତେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିବ କି ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁ। ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଯିଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛି ସିଏ କହୁଛି ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଫେଲ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କଣ କରିବି, ନା ପୁଣି ଘରକୁ ପଳେଇ ମାସରେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଅ ବାହାରି ଗଲେ। ତୁମର ଉତ୍ତର ହବାର ଥିଲା ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫେଲ ହେଇଯାଏ ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ପଳେଇବି, ରାଧାମଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି, କୋଉଠି ଘରୁ କହିଦେବି କାରଣ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି। ତୁମର ଯଦି ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହାତରେ ଏବେଠୁ ବି ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଫେଲ ହେଇଯାଏ ଘରକୁ ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେଲ ଯିବ। ଯାହାର ନିଜର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର କିଛି ସୁଖ ଲାଭର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସେ କେବେ ସାଧୁ ହେଇପାରିବ, ଯାହାର ନିଜର ସୁଖ ବାସନାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସେ କେବେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିପାରିବ, ଯେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ଯାହାର ସୁଖ ବାସନାର କିଞ୍ଚିତ ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମନରେ ସେ କେବେ ସାଧୁର ପରିଭାଷା ତା କତିରେ ଲଗେଇବା କଥା। ସାଧୁ ମାନେ ସେ ଜଗତର କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତା ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା, ସେଥିରେ ସେ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଚୁଟି ବସ କେତେ ପ୍ରବଚନ ଦେବା କଥା ଦିଅ, ଅର୍ଜୁନ ସବୁ କହିସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶିଷ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ନିଶା ଫିଶା ଖାଇଛ କଣ, ଆପଣ ଭାବୁନି ଏମିତି ଶବ୍ଦ କହୁଛୁ, ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଟିକାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ମତେ ଅପମାନ ଦଉଛ, କାରଣ ସେଠି ସାରଥି ଭଗବାନ କେବେ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରାଟ ପୁରୁଷ ବୋଲି ବେଦ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱରାଟ ଯାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତି ଅଙ୍କୁଶ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଭଗବାନ ସାରଥି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଯୋଦ୍ଧା ଗୁରୁ ଘରକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇପାରିବେ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହିବେ ଯେ ବିପକ୍ଷ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ କହିବେ, ଭଗବାନ କହିଲେ କାପୁରୁଷ ଭଳିଆ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ କାହିଁ କହୁଛ, ତୁମକୁ ଶୋଭା ଦିଏ, ଆଉ ତୁ ଆମେ ତୁମେ ବନ୍ଧୁ ନା, ଆଉ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା କଣ ନା, ବନ୍ଧୁକୁ ଯେକୌଣସି କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେ ଶାସନର ଅଧୀନ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଶାସନର ଅଧୀନ, ଶାସନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଶିଷ୍ୟ, ଆଉ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧ ବହୁତ ଅଲଗା। ଭଗବାନ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ମୋର କାହିଁ ଶିଷ୍ୟ, ଏଠି ତୁମର ଗୁରୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଭୀଷ୍ମଦେବ ଅଛନ୍ତି, ତୁମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ହବ। ଅର୍ଜୁନ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇ ଜଗତରେ କାହାକୁ ଦେଖୁନି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ, ଏଇଟା ମରଣ ଧର୍ମା ଜଗତ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାହେ କୋଟିପତି ହୁଅନ୍ତୁ ଲକ୍ଷପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଯେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରାମ କରିବେ,
मर्यादा रहती तेणु आप स्मरण कर सेतलागे जगत रे जे भी आसीबो ताको जीवन रे सद्गुरुंकर संधान करय पड़े ता बिना भगवत तत्व को केही आपण श्लोक कहि पारे भगवत गीता रे बाहरे बहुत लोक अछि मछी वंश खाछु से माने भी पूरा गीता रे आरंभ से 700 श्लोक पूरा पढ़तस किंतु से 700 श्लोक रो गोटे श्लोक रो अधाचरण को जीवन रे आचरण करतो लोक बहुत कम बहुत कम आइस्कम को थर जने छले प्रभुपाद कहले बोले आपण शिष्य मान श्लोक गुड़ी को भूल उच्चारण कर प्रभुपाद कहले तंगर उच्चारण भूल नहीं पारे कि तंगर आचरण रे भूल नहीं पुष्पर चंद्र ने श्लोक उच्चारण भूल लेता कि तंगर आचरण रे किछ भूल नहीं दिस इज इस्कम हमें अस्त हमारे जो स्वाभाविक जिनस में एडवर्टाइजमेंट प्रूफ के जगत बहुत लोग जहाँ जो जीवा को हमें कॉम्प्रोमाइज कर प्रभुपाद के कॉम्प्रोमाइज करना निश्चय तुम्हें केवे बाहर को जाओ जो सोसाइट को जाओ तुम्हें सुखी ही पारे समस्ते भगवान नारायण पर जिते पर्यंत आश्रय न नेछ स्वार्थ गति ही विष्णु ए स्थिति को जिते पर्यंत जीव आसन से केते आनंद पाई तरी तेनो ब अर्जुन कहले जेंति शिष्य बोली ग्रहण कर देले संगे संगे कौन कले काई दे पर देखो संगे संगे वॉइस का चेंज हो गेला आपण देखि श्लोकर भीतर भी चेंज हो कुतस्त्वम कस्मण निगम विषमे समुपस्थित बाबा ए भले शब्द अर्जुन के लिए कही कहि नथि कुतस्थम कस्मण निदम अर्जुन तुम अंदर इतने महिला कौन आसी तुम ये अभद्र कथा के कही कर अर्जुन भाया स्टूडेंट को ये वाक्य कह हटात कि किसी ना बहुत स्नेह करते मैंने कटा कठोर वाक्य कह अर्जुन सर चमकी पड़े भगवान को कथा शुभ तेना भगवान मैं देखते जे निज जीवन निज चेष्टा कहीं समस्या को समाधान कर जगत टा कौन बुझ पड़ता कथा कौन जा जगत गोटे दुखमय एट जीवन में समस्या आसव निज चेष्ट समस्या के समाधान से कहते अस्ति एव श्लोक को देख अस्ति एव मे सर्वनिदम अस्ति अर्थात जो निष्कर्ष शब्द आसे कनक्लूजन आसे अस्ति शब्द संस्कृत व्यवहार कर अस्ति एव मे सर्वनिदम तो ये तो मो विषय आप कहले सत्य आउ कौन कौन तथापि न आत्मा परितुष्ट तथापि भी मुझे बड़ा आम लोग कह आज आप बहुत महान बड़े लोग कहते ना समाज में जो भद्र लोक कौन समाज समाज में एत कार्य कर पचार भगवान को विश्वास कर एक नंबर बदमास तार अभद्रामीटा प्रकाश पाई से भद्र आध्यात्मिक जगत रही आध्यात्मिक जगत भावते दोष को लुचे समस्त दोष जानते हैं कहीं जाना तुलसी अच्छा तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो ओडिसा रे कथा बिले कौन करे घरे बस क्षीर पिए क्षीर पिए से भावे यहाँ दुनिया से पूरा हजी जाए कृष्ण से भाव से जानते गृह करते आसिक छिड़ा बाडे जीवन आम जीवन भी आम कौन भावचे आध्यात्मिक जीवन को आस ठकी चलते आम क्षीर पी भावे दुनिया आम बहुत खुशी जानता आम दोष समस्त जानते से भक्त कौन हो दरकार भगवान का आगे ढड़ा है भगवान प्रार्थना का दरकार प्रभु आप आसे जो जगन्नाथ आगे प्रभु आप ढड़ा अच्छे महाप्रभु रायरमण संवाद बहुत सुंदर उक्ति उच्च शिक्षित व्यक्ति से बहुत भाग्यवान धनी वित्तशाली व्यक्ति बहुत भाग्यवान जो मैंने समाज में किसी बहुत समाज रे कार्य कर भगवान रामानंद राय को पचार जगत भाग्यवान किए रामानंद राय तार उत्तर में कहते जे सब भाग्यवान व्यक्ति किए ना निजे किए निजर दोष को जान पारे से सब भाग्यवान कारण से स्थिति को पलि आसा कंडीशन को जमी आप साधु संडे प्रोग्राम को आसान वर्तमान ट्राक को पलि आस भाग्यवान मानते आप बर्तमान यही जीवन में आप दुखर अंत हाँपाई से प्लाटफर्म को पलि आसे कि दुखर अंत हो गलानी आम कौन समस्त जीवन में बस आप जीवन के सुखी हाथ उठे घर किसी समस्या ना हाथ उठेल हाँ ये आसीगले आनंदमय जगह को आसीगले
ताठ भाग्यवान व्यक्ति महाप्रभु पचारे ना निज दोष उपरे जे विजय हासिल करे के चेष्टा प्रारंभ करता आज ठर मु कम सोई आज ठर मु कम खाई खाद्य उपरे नियंत्रण करी मु मोर जीवन रे कल्याण के बेसी चेष्टा करे आरंभ कर ता भीतरे कोन देखला आइसक्रीम नै गपचुप लगे ना खाई ता पर सबर मोरा दिबो कि ता आखिर सी ऑनेस्ट पर्सन इज ट्राइंग चेष्टा करते से सफल है किंतु से ताठ श्रेष्ठ रे रामानंद राय कहते हैं सबुठ भाग्यवान व्यक्ति कि निजे यही जीवन में विश्व पर विजय हासिल करदेला ताठ श्रेष्ठ व्यक्ति जगत में कहीं ना और से आम स्कूल को आसचे टू प्यूरीफाई आवर कॉन्शियसनेस आम चेतना को शुद्ध करवा जिते चेतना को शुद्ध करवा आप देखो स्कूल में किसी भल लगे न निश्चित कौनसी गोटे अंग आपको भल लगे क्या कीर्तन भल लगे से आउ किसी भल क्लास के बाबा ये उठे से भावत यार के क्लास बंद हम आगे प्रसाद नहीं क्या प्रसाद किए प्रसाद नहीं आस देखिए भगवान को देखने क्या भल लगे आठ भाग्यवान व्यक्ति जहाँ भक्त मान संग कर भल लगे कौनसी गोटे जिनस भल लगे कारण भक्ति मान आनंद भक्तिर पारिभाषिक शब्द अर्थ हो आनंद प्रभु कथा आनंद जीवन में जन जिते पाठ पढ़ू जिते सफलता पाओ जिते किसी भौतिक कार्य कर आनंद पाई मो जीवन गोटे अनुभूति क्या कह ना भक्त थी बॉम्बे टेम्पल जा महाराज कथा शुणा तो सेठी मुझे विठल को दर्शन करके फेरुची मुझे गेस्ट हाउस रूम नाई ढड़ा है तो मुझे जो गेस्ट हाउस बम्बे गेस्ट हाउस पाखे मो प्रेसिडेंट जी बम्बे मंदिर अध्यक्ष रूम तो सेठी आम मीता अंबानी सी आस प्रेसिडेंट को सब मिस से घर गोटे सत्संग प्रोग्राम हाउस प्रोग्राम रिक्वेस्ट करते आस कथा सी समस्या गुड़ा कहता आप विश्वास कर जे भारत वर्षर वित्तशाली व्यक्तित्व मानक भितर अन्यतम प्राय बोध पांच नंबर सीरीयल भितर तांकर नंबर आसतो सात नंबर भारत ना विश्व विश्व देखो सी एते समस्या रे अच्छा दे अपन कल्पना करि परि सी त बहुत आ मते के मोर गोटे बहुत सुंदर शिक्षा मिले मुखे इत्ते धन थाई कि जा जीवन इत्ते दुखी छ हम कुटी बड़ा न होलो जल्दी समझ दे स्टार्ट करे कृष्ण दी जा आउट जीवन में अनुमति को एबे जाई के कलकत्ता इसको तो सेठी मु इतरे टैक्सी बुझली से टैक्सी कला मु जेने बहुत अधिकार पैसा कला तो सेठी सिस्टम से बाइक रे नहीं कि अपन को छाड़ तो से बाइक भी मते बदे अभी पैसा करे मु भाभी तो मु तो के बार्गेनिंग कर तो से मते कन्विंस करे चेष्टा कर मु जति प्राइस को छ अपन मते सेठी दे दे तो रास्ता रे गलर से मते कहले तो हम देखो अपन साधु होई छ अपन जीरो बैलेंस रे दिन चले दे हमरा दिन किछ खर्च नै टाटा रोजगार नहीं टाटे खर्च कि प्रतिदिन सकाल जी मतलब पचास टाँग मागुच स्कूल जी पचास टाँग दवा पड़े मोर कह उद्देश्य हूँ तार जो विनीत व्यवहार आ तार जो सी लजिक दौर जी मतलब देख के जिन समाज शिखा को अच्छे कहीं गंभीरता सहित भक्ति कर भक्ति कर आवश्यकता कौन आई जो भक्ति न करेंगे जगत में कौन आई जगत भी आप देख जी जहाँ कर शांति पाई आ शांतिर सूत्र भगवदगीतार भगवान कही मुक्तारम जग्य तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञान शांति आप देख सत्संग डेली आसत आप कि आप न हो आप जीवन यही अनुभूति भगवान मो पाखे यही विश्वास नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति जाऊँ आशा कर भगवान सत्संग कर आध्यात्मिक जीवन प्रथम अनुभूति भक्ति क्रिया कौन हम सुखर आम जो जो भगवान जो डाकी आई प्रथम अनुभूति रु भगवान आमको आगक बढ़े तेणु से कहते तन्मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम आपणकर दिव्य ज्ञान संपन्न नारद तेणु भागवत रामायण को नहीं जा पुणी एटे शेष को फेरी आस
तेरे ना हनुमान जी करा उठे चरित्र सुनना अपन मने सुनी थी बाब हनुमान चरित्र तो प्राय भारत वर्ष रे हम दिखी है ये हनुमान चरित्र न जाए तो बाल समय रवि भक्खे लियो हनुमान जी कौन कर ले हनुमान जी का माँ अंजना दम कोई थी ले ये बाबू जो का नाली पड़ा कथन बहुत शक्ति है नाली पड़ा खाया बाल तेरे दिने के अंजना कौन कर ले ना हनुमान जी को तले रख दे कौन से का जरूरी कार्य करिए पाए जितने पड़े ले हनुमान जी बहुत बहुत खेदार था बहुत लोकल है तुम से सूर्य को देखी की भाभी ले जी जी ये लाली पड़ा है खाई जाता था तुम से कौन कहा अति छोटे पेगर कर ले तब खाई जाते लोभी व्यक्ति में अब हनुमान जी जब तुम्हें धन ले से इसमें ग्रहण लगे ग्रहण लगे क्या पड़ा कौन बोले जो ग्रह मान के सूर्य के पक्ष में की जाई परिवे सूर्य के पक्ष जो अपने अनेक ग्रह अच्छा तो हनुमान जी इतने पेगर कर ले ग्रह मान में बिछड़ता है जे आओ की नुआ ग्रह गोटे पड़े आसे हनुमान जी कौन कले ना जितना जाई छ से सब ग्रहण लागी छी राहु केतु अछ त हनुमान जी त सूर्य को गिड़ देले से तुम कौन ना जगत रे अंधकार देवता माने जे की समस्त इंद्र को अभिजोग करे इंद्र कौन कले ना हम देखले जे सूर्य कान ना सूर्य हनुमान को पाटे तो हनुमान को वज्र चढ़ना से सही हनुमान जी कर पिथोड़ी रे आकार तो हनुमान जी कौन कले ना मूर्छित है की तले पड़े त केसरी अंजना आसे तो वायु देवता को संवाद प्राप्त होगा जो मोर पुत्र को ये आकार दे तो वायु कौन को अति क्रोधान्वित है कि वायु कौन देखे ना करुणा अवस्था की अवस्था है सब थे पैसा थे सुधर चटचट एक बार का वायु थे कौन करे तो तन समस्त कौन करे देवता माने ब्रह्मा जी को सहित आश्चर्य आ हनुमान जी को प्रचुर मात्रा रे आशीर्वाद दे छे एक भिन्न प्रसंग तेनो देखा जाए जे कोनसी व्यक्ति बा कोनसी शिशु को यदि ज्ञान प्राप्त हो जाय से वो चंचल है व्यक्ति जो फल पड़ से कोई दुष्ट होती पिला चंचल करती એટલે કે ભક્તિ જીવન રે બા ગુરુ કર જો કૃપા ન હોય આમે આમો નિજ ગુણ કર બી સદ્વ્યવહાર કરી પાઈ ગયો સે તો જણે આધ્યાત્મિક જીવન સુ એટલે સાધુર ગાઈડન્સ રે રહે દે તેનો હનુમાન જી કોણ હતા ઇતિ ચંચળ હે ગલે આ હનુમાન જી કા ટાર્ગેટ કે થીલે સાધુ માં ઇતિ હરણ કરે સાધુ માં કે જો બરો પાઈ ગલા પરે કારણ બ્રહ્માજી બરો તમે કેને મરી તમે કહા દ્વારા મરી બ્રહ્માજી પ્રથમ બરો આ અનેક બરો અનેક સિદ્ધિ પાઈ ગલે હનુમાન જી કોણ કરે ટાર્ગેટ કરે सर्वमन नदरे गायत्री करते तळ जाएगी गोड़ गोड़ टाणी सी पूरा हाहाकार कर चित्कार कर जित्ते प्रकार साधु को हैरान करा जाई परे हनुमान जी आरंभ कर तो दिने तांकर जो हैरान बदमाश ने गोड़ लिमिट थे कि नहीं तो लिमिट क्रॉस है जो हमारे इंद्रोट कथा को लाभ तो की बहुत बात से नहीं था न हनुमान जी ने कौन कले ना जड़े साधु रा आश्रम साधु माने कोटि सो अपन वृंदावन नंदन देखे साधु मन सो गोटे छोटा घर करी भजन कर तेणु हनुमान जी देखिले कि प्रतिदिन इस समय बाहर को जाऊ शौचाचार जितने जोर से शौचाचार लगी कबाट खोल अद्भुत दृश्य से देखे जो कबाट खोलना गोटे बाघ बंधा है लोक कुकुर बांध से बाघ बाघ को बाघ एक भयंकर बांधि दि भयंकर भाव में गर्जन करेणु देखिए कबाट टा भयर बंद कर पचपट कबाट खोल तो दंता हाथी को बांधि हनुमान सी रड़ आउ माने जे नियंत्रण रो बाहर को गलरे माने आउ माने सेठी ही असुविधा हबो सेई गुडा स्थिति रे से साधु पूरा विकल हे कि कोन करिया उपाय कर आगरे गले बाघ पछरे गले हाथी से छरका कोने देखले हनुमान जी दृश्य देखि कोन करनी हसी हसी झुली रे बढी जाउ माने साधु को स्थिति को देखि कि हनुमान जी पूरा गोड़ी जाउ जन झुली हसी तो साधु चिंता कर लिया पूरा जी यार कल्याण करिया पड़ी वास्तव साधुंकर आशीर्वाद आ साधुंकर अभिशाप ये दीटा को समान साधु के कहा पर रागी परे दोस्तों जेनुइन सर साधु माने ता जीवन ता परहित पर उपकार तनो साधु कहले ये तो अभिशाप दो जहां ज्ञान तो पाए तो सब बोल जे कितने बंद बोल जे ना जते बंद देखे न माने को तो अभिशाप दे दे हनुमान जी का शांत है अब फर्स्ट टाइम लाइफ रे हनुमान जी चल चले ऐसे गरु पे या तो देखी कि अंजना केसरी ग्रुप टेंशन है दीदी बड़ी बात है सीधी बात हनुमान जी केबे चले कि गरु पास कितने कोनो डे के ऐसे कोटे कोटे गड़ी गड़ी कोटे छाता ये ना होते ये क्या हो चले बाबा मान कर टेंशन है हनुमान जी का कौन डिप्रेशन है कौन अब हनुमान जी ऐसी कौन करले तो बाबा को पाठ पढ़ी केसरी ग्रुप देखो साधुर सहित संपर्क कौन करे जीवन हनुमान जी कितने कितने मतलब संपत्ति अधिकारी कितने ब्लेसिंग्स मिली
किंतु साधुर कृपा कौन करुच आप देखो ये आम भक्ति कर पाठ पढ़े कह केशरी ठीक अच्छे से कौन साधारण पुत्र केशरी अंजना वायुपुर अंश रही एकादश रुद्र मध्य जन्मित व्यक्ति से भल स्कूल पढ़ाई पड़े तेनालीराम फेमस स्कूल था सूर्य नारायण स्कूल सूर्य नारायण स्कूल कौन मुविंग स्कूल एक साथ स्टूडेंट पढ़ी पारे षाठी हजार स्टूडेंट पढ़ी पारे केशरी जो हनुमान को नहीं कहे सूर्य नारायण ना तुमने पाठ पढ़ी पारे कहीं सीट ही ना बस हनुमान मना कर देख कि समस्या देख आम भाव कौन भगवान को भक्ति कले जीवन टा कौन हम पूरा सुखमय कि भगवान को भक्ति कले कौन हम भगवान एक बास्तव जीवन आमको देखे मुझे कहली प्रथम प्रोग्राम सेवा सर गला तुम देहटा रक्त मंस गढ़ मो देहटा कौन अमृत रसगोल्ला कहीं रसगोल्ला रसमलाई खाइला देखिए जमा इच्छा तो पैसा रखिंग कर रसमलाई खाइबे खाइब इच्छा उन्नत स्वाद हनुमान जी कहले कहीं मोर बस दरकार अनुमति दिखा स्कूल हनुमान जी गोटे लक्षण जो स्टूडेंट लाइफ हनुमान जी फैसिलिटी खोजिले बेस लोक कौन फैसिलिटी देते जी स्टूडेंट लाइफ रे जे फैसिलिटी खोजिला तार विद्या रहि विद्या ताको मिलि हनुमान जी रो जीवन प्रथम शिक्षा तेनो हनुमान जी कोन करले ना सेठी 66 टा साइकिल दि मास भीतर आ हनुमान जी जीवन केते कहिना जे रिपीट प्लीज आउ थरे कोन थरे सुनले पूरा एक थरे मन रख जहा पड हनुमान सूर्य नारायण को सुनि आ हनुमान जी किछि समय परे 5-6 दिन परे देखले जे मु गुरु को देखि पारु हनुमान जी कौन कले हनुमान जी सूर्य सहित जीवन टा अलग जीवन से गोटे मध्यम काष्टर प्रभाव देखते काष्टर पुतुली जे नाचा कह भगवान को से प्रभु मुझे कंडे भक्ति ना ज्ञान ना नाम खुब बड़ भक्ति वेदांत नाम सार्थक तुम प्रभु मोर कि ना मुझे वस्त्र पिंधे ये वस्त्र मर्यादा आप रख मो पाखे मोर मो मन बहुत चंचल कि स्थिर कर दमिया तारव संस्कृति जगत उद्धार कर निश्चित उद्धार मुझे प्रथम दिन भागवत पढ़ी प्रथम स्कंदर भागवत जो धृतराष्ट्र महाराज भगवान पाइल अंध महाराज श्री कुछ जन्मांध बुद्धि भी अंध जो निज सभा निज बहु को लग्न हो रही देख पार हीन काम कर आसन लोभन से भाया व्यक्तित्व ही भगवान को पाइल कहीं न पाए कहीं न पाए समस्ते भगवान किए आगे जी आगे जी सी भगवान प्रार्थना करें बहुत सुंदर कथा मन पड़े प्रसंग
আমার বর্তমান ইস্কন এতে এই জাস্ট অল্প দিন তলে আমার ইস্কন জন্য আচার্য অপ্রকট বৃন্দাবন ধাম আর পরম পূজ্য লোকনাথ স্বামী মহারাজ গোটে খুব সুন্দর বাক্য লিখিথিলে সে লিখিলে মহারাজ আপন যাইকি ভগবান পাখে আম দুই পদ ভাল কথা কে যা ফলে প্রভু আমি শীঘ্র নেই যে আগ যু সে আমি প্রার্থনা করি যে সে আমি একাঠি কিন্তু সে রয়েছে মো পড়ে এসেছি তেমন এটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবন হনুমানজী যেতবে পাঠ পড়ি সারে সে আসি সে কোণ কলে না উল্টা বুলিলে হনুমান গুরু কু সামনা করি কি সূর্যনারায়ণ দেখলে উল্টা বুলি কি সে পাঠ পড়ি কমফর্ট সে দেখি না তেন জীবন আর যেতবে বিদ্যা সারিগলা সে সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেব আসি প্রণাম কলে আর কহিলে গুরুদেব আপনার মধ্যে আদেশ করতু কারণ আধ্যাত্মিক জীবনরে রিক্ত হস্তরে যা কথা নিশ্চিত কিছু না কিছু যে প্রণাম করছে প্রণাম মানে প্রতিবদলে প্রণাম দেছে যে আমি যা কিছু দেছে স্নেহ করছে প্রতিবদলে স্নেহ দেছে এই জগত না যা সাধু হয়েছে মানে কেবল মঙ্গল করে তেমন মু আপনার কম করি গুরু দক্ষিণার উপরে কম দেবি দেখুন এই যে কথা রামায়ণ রামায়ণ ন শুণিলা পর্যন্ত ভগবান চরিত্র উপরে প্রবেশ হবে দেখুন যদি এই এই কন্ডিশন হনুমানজী কে যেটা মাগিলে দক্ষিণার উপরে সূর্যনারায়ণ কহিলে মোর জনে শিষ্য আছে যে সব দৃষ্টিকোণ তোমার বহুত কম যোগ্যতার বহুত কম সে কি না সুগ্রীব সেটাই মোর ইচ্ছা তুমি যাই কি তাঁকর সেবক রূপে রুহ তাঁকর মন্ত্রী রূপে রুহ আমাকে যদি কোহা হব যে তুমি জনকর আসিস্ট্যান্ট হয়ে গেল যে সব গুণর তোমার কম তো ভাই এপরে এপরে সিচুয়েশন কু মু কাইকি যিবি কি ভয়ঙ্কর কথা সি মূর্খটা পাখে মু কাইকি না এই জীবনটা নষ্ট করি না কি আমি কন্ডিশন রাজি হওয়া কে রাজি হওয়া আসিস হনুমানজি কেবে বি জীবনরে প্রত্যুত্তর দেই না সুগ্রীব এ তুমি জানে মূর্খটা কিছু জানে বেশি কথা কই বস মু বর্তমান নিয়ন্ত্রণ কর তুমি তাহলে বসি দেখো কেবে হনুমানজি কই দেখো সুগ্রীবর প্রথম ভুল কোন সুগ্রীবর প্রথম ভুল হলা সে রামজি কু মনুষ্য বলি বা হ্যাঁ সুগ্রীব যেতবে রামজি আসছেন কিষ্কিন্ধা তো আপনার পড়ি কিষ্কিন্ধা কাণ্ড সুগ্রীব ভাবিলে যে সুগ্রীব প্রথম হনুমান কইলা হনুমান যাই দেখ যে বাড়ি পড়ি আসলে আর যদি আসলে তুমি সেইটু ইশারা কর তুমি এইটু ছাড়ি পড়ি আর যদি আর কি ব্যক্তি আসতে তাহলে তুমি মতে সে অনুসার হনুমান যে ডাকি আসছে সুগ্রীব কোণ ভাবিলে যে ইয়ে বি মোরি ভাই লোক কারণ ইয়ে জন রাজা মো জন রাজা ইয়াঙ্কর বি স্ত্রী নাই মোর বি স্ত্রী নাই তেমন সে কোণ তুমি সঙ্গে সঙ্গে রাম যেতে আসলে সে যেটি বসলে সে পাখে গোটে ডাল ভাবি দেখি রামজি বসি আসতে আর লক্ষ্মণ কু জমা বসিয়া পাই কন্দে ভগবান বহুত মানে বহুত মানে রুষ্ট হয়ে যায় ভগবানটা ভাল লাগে সেটাকে গুরুঙ্কর পূজাটা ভগবান অধিকা করে গুরু ভক্তি অধিকার হওয়া দরকার জীবন হৃদয় তাহলে বৈদিক জ্ঞান ভগবত ভক্তি ভগবানকে জীব প্রাপ্ত করে কে কে ভগবান কু পাই বলি তো প্রশ্ন করাইছে ভাগবত রে না যাহার ভক্ত তত্ত্ব প্রতি বিশ্বাস অধিক সে এই জীবনে ভগবান কু পাই যে জানিছে যে আমার প্রসিদ্ধ কথা আছে গুরু গোবিন্দ দোন খড়ে কাহাক প্রণাম করি বলিহার সুগু মু সেই গুরুঙ্ক চরণরে মানে নিজকু বিক্রি কর দে যাহাক কৃপার আজ গোবিন্দ কু দেখু তেণু হনুমান কোণ কলে না সঙ্গে সঙ্গে চন্দন গছর গোটে ডাল আনিকে লক্ষ্মণ কু বসিয়া দে সেইটু রামজি কলে যে ইয়ে সেবক হওয়া পাই যোগ্য তো মোর কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে দেখন্তু হনুমানজি সারা জীবন সুগ্রীবঙ্কর কোণ কলে না সেবক হয়ে রহ দিনে বি কলে না মু এতে বড় ভয়ঙ্কর স্থিতি রে গুরু মতে পটে এইটা হচ্ছে হনুমানজি দেখুছেন জীবনে যে আমি কোণ কলে আধ্যাত্মিক জীবনরে সুখ পাই পারি ইউটিউব মু যাওছি এই যে ভাবনাটাকে নিয়ে বর্তমান ব্যাসদেবঙ্ক পাখকু যা তন্মূলম অব্যক্তম অগাধ বোধ আপনার পাখে অগাধ জ্ঞান আপন মোর সমস্যা কু জান দেখুন এতে কার্য কলা পরে বি ব্যাসঙ্ক জীবনের অশান্তি বহুত আছে তেমন সে কুচি যে গুরুদেব আপন ব্রহ্মাঙ্কর পুত্র আপনার তাঁকর যোগ্যতা কুচি আপন অগাধ ভগবানকর ভক্তি ভক্তিমান তেমন আপন মোর সমস্যা কু দূর করিপারে তেমন মু আপনার শরণ তেমন ভগবানকর ভক্তি করিবা ফলে কোণ হব না আমার জীবনের প্রথমে হচ্ছে দুইটা জিনিস আধ্যাত্মিক জীবনের দুইটা পরিভাষা
भक्तिर शांत सिंदूर पूर्व विभाग रे रूप गोस्वामी वर्णन कर प्रथम होचि कोन ना व्यक्ति भय शून्य हे जे ए जगत रे हम सब केते भय अछि कहिले मृत्युर भय रोगर भय सम्मान हानिर भय अर्थ हानिर भय केते भय अछि हम जीवन किंतु भगवान कर भक्त करले कोन हम भक्ति करले हम प्रभु मस्तित अछि प्रभु पाखरे अछि सब बेले जड़े भक्त जहाँ भी करते जितने भी खराब काम करते हैं विश्वास है भगवान मत निश्चित प्रकार का आ द्वितीय से सब बड़ा आनंद रहे मोर जीवन में गोटे अनुभूति कथा कही थी हम कहे कि भक्ति करिया दरकार देखो आ मंदिर जन भक्त थे से किसी रोजगार कर चाकरी वाकरी किसी नहीं बिजनेस भी कौन करते मुझे जान कि मुझे देखे आम से रेस्टोरेंट थी गोविंद पिला मैंने से रेस्टोरेंट पिला कही मो पिला जहाँ का भी किसी मना कर जहाँ पैसा मुझे आसी थी भगवान भक्त आध्यात्मिक जीवन टाइम कह दिनकर घटना तार झील बाहर अच्छे फिस्ट दूसरी कौट मंदिर फिस्ट दूस ब्रह्मचारी बाहर फिस्ट खाया कथा तेणु आम शुणिल आ मोर कौन ना से दिन मोर जड़े गुरु भाई सहित बस भागवत चर्चा कर चर्चा करी करी भूली जाए खाया पेट एमती केड़े बड़ भक्त बुद्धि पूरा ठीक कर दीटा पंदर जिते मन पड़ा खाया कर से प्रसाद ना भगवान से मूल रू भगवान व्यवस्था पूजारी मान सहित भारी भल सम्मान से डिपार्टमेंट से बढ़िया प्रसाद सेठी गला पूजारी डिपार्टमेंट संडे किसी प्रसाद ना गुरुदेव पाखे प्रसाद मिले से भी किसी प्रसाद ना कौटी मंदिर प्रसाद ना शेष बुलाई से जो बाहर फिस्ट बस फिस्ट खाइब देखे मन में पड़ा जी बाहर फिस्ट खाइबार अच्छे से कौन कर भल जिन किसी खाइब जी मैंने तुम क्षुदा निवृत्ति कर जिनस धरी बस आम खीरी पायस पकोड़ा जाक सब न काटिक जहाँ जी अन्न डाली सब्जी नहीं बस तो आम जो बस प्रसाद आनंद लगे भगवान प्रसाद ग्रहण कर प्रसाद रू जना पड़ जाए जी भगवान को निवेदन कर भाव जैसा खाए मन वैसा है मन से प्रसाद पाया दरकार भगवान तो भगवान व्यवस्था देख मोर मानते मोर अनुभूति लगे मुझे भावुरी भूल भाव तेणु से व्यक्ति जनक आसे प्रसाद समस्त खाई जाए लास्ट कैंडेट से व्यक्ति जनक समस्त लास्ट आसते खाए तो मुझे कही प्रभु आप बहुत सुंदर प्रसाद कर आखिर लुह बाहर से कदिया लगे मैं बहुत सुंदर कथा कह सी कहले गुरुदेव पैसा सी गुरु स्वयं गुरुदेव से गुरुदेव अर्थ में गुरुदेव को आज जिनस कर गंगा पूजा कला घर जल नहीं जा समस्ते कौन कर गंगा जल रे गंगा को पूजा करना माँ भित्री खुशी से मत से उत्तर दे मो गुरु मत सब किसी देखकर जिनस मुझे फेर सुंदर भावना देख मुझे भावना करते गोटे जिनस अनुरोध कर भौतिक बुद्धि आसपे जगत दिव्य जगत आते आम भगवान प्रति विश्वास रखा जिते साधु मान प्रति विश्वास रखा ଭକ୍ତି କରିବା ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଜୀବନରେ ପ୍ରଚୁର ସୁଖ ଆମ ପାଇଁ ଅଛି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଆପଣ ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ମନ୍ଦିର ଆସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହାତ ଉଠେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଭଲ ଲାଗେ ସାର୍ ସାର୍ ତ ତୁଳସୀ ବାଡ଼ି ପକେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସାର୍ କଣ ଭଲ ଲାଗେ ଆସିଲା ଆମର ଏଠି ଠିକ ଅଛି ଆଉ କିଏ କହିବେ ମା ମାନେ
बहुत इम्पोर्टेंट इन सब इश्यूज सत्संग समस्त के बहुत बहुत हाई स्टैंडर्ड कीर्तन सर्वना प्रसाद हां ये का बहुत प्रसाद का ये बाबा बता हम सुन जे प्रसाद बहुत बंद हुए लेकिन आध्यात्मिक जीवन में बहुत सुख अछि अपन माने आसु प्रभुपाद कर ए दिव्य आंदोलन प्रभुपाद कहि छले वो मर्त्य रे वैकुंठ प्रतिष्ठा कर के जाय छै प्रत्येक इस कर्म रो केंद्र वैकुंठ तने कि आसु कि कुंठा ने आसम रे दिव्य आनंद जगत हम को अपेक्षा करै हरे कृष्ण हरे जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय कौन तेनानंदे हरि हरि गो आकार के छह क्वेश्चन जे प्रश्न जिज्ञासा समीक्षा की पण आध्यात्मिक जीवन गोटे जिन इच्छा ना जहाँ सफल न हो कविराज गोस्वामी बहुत विश्वास रखे भक्त जहाँ वांछा कै प्रभु पूर्ति कै आम प्रति इच्छा पूरी हम बट आमको धर्ज रखा पड़े आप प्रार्थना कर निश्चय आपड़ भगवान से स्थित को ले Devotional service is selflessness or selfishness. In I'm quite here, devotional service should be selfless. Selflessness. But sometimes it I'm like because we'll get happy in the future, that's why we are doing devotional service. हमारा जहाँ भी इच्छा अच्छी ना भगवान छोड़ा जाऊँ चलो अब भगवान छोड़ा फुलफिल करे जति भी इच्छा अच्छी मतलब स्टूडेंट क्लास में छोड़ा कोई क्या सी और जहाँ इच्छा अच्छी भगवान को कोई आता पर सुंदर कथा भागवत रे पुराण अच्छी विश्व से प्रथम टीकर लिख चुके जो देखो ना जब हमें हमारे बापा को मांगेगा हमें जहाँ मांगेगा तार तो बेस्ट जिनसे हमको मिले जितना हमें छोटा थे लेते हमें बड़ा होगा ना भावचे यदि वो पढ़ा अच्छी तार वो बहुत ब्राइट ड्रेस पहन दिया कथा तार हम भी स्मार्ट दिखा छोटा बड़े की स्मार्ट दिखा हो लेकिन जब की डिसाइड करो बापा डिसाइड करते जो पिला के डॉल कलर अच्छी या कोई एक कलर टी शर्ट ली ये स्मार्ट दिखा तेणु भगवान कौन करते एक सुंदर दीपावली हमने एक योजना कर आमर जहाँ इच्छा भगवान को कह दरकार आ जदि से इच्छा भितर किसी खराब इच्छा थे भगवान तक भल कर दे प्लस आम जहाँ मांगे ताहा भी एमती हुए भगवान भक्ति जी मोर इच्छा अच्छे आम जो स्थान में अच्छा बहुत फेमस गाजियाबाद टेम्पल जी प्रेसिडेंट से आसते बाहर मंदिर से मोर विदेश झील देखे बाहर से मंदिर आसते अच्छा बहुत कल कि बर्तमान भक्ति बहुत बड़ा प्रचार अच्छे एमती नुए आम समस्त साधु आस समस्त ब्रह्मचारी जी जो स्थित नामाश्रय कर चैतन्य तुम्हें ठाक आपन कार्य विचलित करेंगे सुखी कर इच्छा पूर्ण हो मानते किसी व्यवहार कथ कि धीरे धीरे से जिनटा को ये इच्छा हम ए फुलट दिला प्रभु आज क्वेश्चन पाइबी प्रभु मो चाकरी भगवान छाड़ा सब जानून आपकी इच्छा सब फुलफिल कर लक्ष्मीपति संध्या कर निश्चय दे आज पूरी लक्ष्मी कर दिन माँ को खुशी करके भगवान जाऊ समस्त इच्छा पूरी बे सवार अपीड़ा भगवान को देख ला ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन साहू साहू हाँ मैंने प्योर डिवोटी एसोसिएशन जिम्मे आप आम भितर जो इक्विटी अच्छे प्योर डिवोटी एसोसिएशन खास कर ये टाइम में तो प्योर डिवोटी एसोसिएशन सब जगह बहुत बड़
ଗୋଟେ ଡିଫିନିଟ୍ ନା ଯେ ଆମେ ଖାଉଛେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇଟା ମୋ ଲାଇଫରେ ମୋ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପିଓର ଡିଭଟି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ହାୟର ଲେଭେଲ ବା ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ସ୍ପିକର ବା ସେମାନେ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ ସିଏ ଆମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଇଛେ ଏଇ ସେଣ୍ଟର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ଆମେ ବହୁତ ପିଓର ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନଟା ବହୁତ ପିଓର ହବାର ଅଛି ମୁଁ ଭଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ମୁଁ କେତେ ଭଲ ଏଟା ଗ୍ରହଣ କରିବି ସେଟା ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପାସିଟି ଅନୁସାରେ ତେଣୁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମିଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି କ୍ଲବ୍ ଆସିବେ ରାଜସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ସବୁବେଳେ ହବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କିଛି ହବା ପାଇଁ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତା'ର ଚିନ୍ତା ମିଳେ ଯୋଉ ଚାହେଁ ରୋଜା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଟିଭିରେ କେବେ ହେଇନି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ ସେ ଜିନିଷଟା ହେଇଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଯେ ଜେନୁଇନଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଉନ୍ନତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଙ୍ଗ ମିଳିବ ଏମିତି ଜଗତରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ଅସମ୍ଭବ ବୋକାମାନଙ୍କ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଜୀବନରେ ଏଇଟା କେବେ ଏଇ ଜିନିଷ ଠିକ ଅଛି ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମର ନିଜର ଆଚରଣ ବେଳେବେଳେ ଆମର ବହୁତ କିଛି ମାନେ ପୂର୍ବ ଅଭ୍ୟାସ ଏମିତି ଥାଏ ଯୋଉଟା ସେ ଆମେ ହଠାତ୍ କି ମାନେ ଇଏ କରିଥାଉ ଯୋଉଟା ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ମିଠା ଖାଉଥିଲା ଆଜି ଏମକୁ କହୁଛି ତୁମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ନନଭେଜ୍ ଖାଉଥିଲା ଆଜି କହୁଛି ହଠାତ୍ କି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ତ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ନିଜକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠୁ ବଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ ପ୍ରିଚିଂର ସବୁଠୁ ବଡ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ପ୍ରଭୁପାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆପଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ମିରାକଲ୍ସ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ କରାନ୍ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରସାଦ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେମିତି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ସମୟରେ ହଉ ବା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଟିଚିଂ ଆମର ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ସମୟରେ ବହୁତ ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଏ ବାହାର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ଫ୍ରି ପ୍ରସାଦ ହଉଛି ତାକୁ ଡାକନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ମାନେ ଏଇ ଇସ୍କନ ପ୍ରସାଦ ଯାହା ପେଟରେ ପଡିଛି ନା ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଆଟମ୍ ବମ୍ ଫୁଟିବନି ଫୁଟିବ ଯାହା ଘରେ କରିବ ସେ ଭକ୍ତ କରି ରହିପାରିବ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ପ୍ରସାଦ କୀର୍ତ୍ତନ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କୀର୍ତ୍ତନ ଖାଉ କଥା ବୋର୍ ଲାଗିପାରେ କଥାରେ ବସି ବୋର୍ ଫିଲ୍ ହବ କୀର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କାରଣ କୀର୍ତ୍ତନଟା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆକର୍ଷଣ ଠିକ ଅଛି ଆଉ କାହାର କାହାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆମେ ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗଟା ଆମେ ଜାଜଙ୍କୁ କରୁଛେ ବା ଯେଉଁ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଥରିଟି ଯିଏ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର ତ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଏହାର ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ଟା କ'ଣ କାହିଁକି ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛେ ଯେକୌଣସି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରିବେନି କାହିଁକି ପ୍ରଣାମ କରିବା ସବୁ ଜିନିଷର ଆମେ କାହିଁକି ଭାଗବତ ପଢିବା ଆମେ କାହିଁକି ଜପ କରିବା ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଟା ବୁଝିଲେ ବେଳେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲେ ବି ଆମେ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିପାରୁ କାହିଁକି ଆମେ ପୂର୍ବର ଅଭ୍ୟାସ ପୂର୍ବର ସଂସ୍କାର ବହୁତ ତୀବ୍ର ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ବାରମ୍ବାର ଜପ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଆମର ଗୋଟେ ବାଣୀ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର 2-3 ମିନିଟର ଲେକ୍ଚର ଅଛି ସେ ବାଣୀ ମିଡ଼ିଆକୁ ଯାଇକି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ର ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ୍ ଆଣିବେ ସେଥିରେ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଶୁଣିବା ଇସ୍କନର ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଆଜିକାଲି ଜାଣିବା ଲୋକ ପାଖରେ ସମାନ ଘଣ୍ଟାକର କ୍ଲାସ୍ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଇପାରିବେ ଡେଲି ଶୁଣିପାରିବେନି ଘଣ୍ଟାଟେ କ୍ଲାସ୍ ତେଣୁ 2 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ବାଣୀ ମିଡ଼ିଆରେ 2 ମିନିଟର ଲେକ୍ଚର ଅଛି ପ୍ରତିଦିନ ମହାମନ୍ତ୍ରର ମହିମା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜପ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା
बा जो माने जप करछन ताको संग करन बा ताको किछ सहाय्य करन अन्य को सहाय्य करिया पर देखन तो गृहस्थ आश्रम रे कोन कर्तव्य रे पचराय छि आगु साधु माने काहे कि गृहस्थ आश्रम रे गोटे प्रमुख अंग होला साधु सेवा बेले लोक माने भावन जे आमे माने काहे सब डोनेशन मांगु छन से बैंक दे आपन डोनेशन दवा तो आपन को ही कल्याण जने साधु त्यागमय जीवन यापन करी कि से जो फल पाए आमे यदि साधु को कोनोसी परे सहाय्य करी आमे से फल पाए अर्थात जने मंदिर रे किठी के कि बड़ सान नहि जने मंदिर रे त्यागमय जीवन यापन करी भक्ति करी कि जो सुख पाउची आमे यदि से साधु को कोनोसी परे कि सहाय्य करी आमे को भगवान से सुखटा दे तो आपण बेसी व्यस्त हो दरकार नहीं आमे केवल विश्वास करिबा कंटिन्यू करिबा बारंबार सत्संग पासतु भक्त संग करंतु सेवा करंतु आ देखि धीरे धीरे हे धीरे धीरे जेमते सुनचन ना गंडुकी नदी रे साधारण पत्थर भी शालग्राम हे छै सुजात महाराज कहते आमे यदि इस्कन में केवल रहियो आमे दिने जानि परिबे हम केतल साधु हे हम वर्तमान साधु हे ने साधु के प्रयास कर छै किंतु भगवान कर कृपा रो आपन मन को समस्त कृपा आमे दिने साधु हे आउ कारण किछ क्वेश्चन छै भगवान जेते देखा दे एक सागर सब सैंक्शन है कारण हमर जहां डिजायर अछि भगवान को ही मागो तो प्रभु को धन दरकार दी ऑनेस्ट भागवत पढ़ो ना अपन भक्ति करले जहां जप करछो ना नाम चिंतामणि कृष्ण रस रे नाम चिंतामणि चिंतामणि ना पण किछि आध्यात्मिक जीवन ने अपन अधर्ज मंदिर अपन भाव दुनिया मन को से मिथ्या कथा कहि कि कारण जब मिथ्या कथा कहले अपन केते रहि अपन रहि पाइले ना बी ऑनेस्ट जहाँ अच्छी पचरे खोली सब समाधान अच्छे के मीच कई जन तुम कह पैसा न आप चाकरी कर गोटे मस दरमा मिल दरमा मिल जमा दब के दिन आप छाड़ पड़े कि नहीं कोड़ी वर्ष जाना रही इस्कन कहीं रही कोड़ी वर्ष पचीस वर्ष से भक्ति कर आनंद पाँच सी कह तुमको भी मिले विश्वास कर हाँ प्रभुपाद हम देखु महागर आम गुरुवर्ग को आम आखिर देख जीवन के दिव्य अच्छे के भाव कथा जो शुद्ध भक्त आम जी नारद मुनि आम पा कि आम कंडीशन को देखिए नारद मुनि आम गुरु आचार्य रूप से आमको उद्धार करने तेणु स्पिरिचुअल लाइफ मान किसी लुचा छपा कथा ना आपण मन में जिते खराब कथा चिंता आस पचार सब समाधान अच्छे हाँ ये ठकिया जीवन को लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस जीवन को निजर चिंता को निजर भावना को हम भल करने साधु जीवन मान सत्संग मान एक दिव्य स्थिति को जीवन आस समय बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को बहुत दिन इच्छा करते प्रोग्राम को जाती प्रभु पिता आस देखा किंतु मो कह आग प्रभु को देखिए पिता को देखा कथा कि आगे पिता को देखी प्रभु को देखिए प्रभु आप बहुत सुंदर प्रचार कर बहुत उत्साह सहित ये भक्त भक्ति जीवन में आघात प्रति भगवान आपण जीवन निरोगमय कर सुखमय करूँ आ शेष प्रार्थना करेंगे आप जी प्रकृत इस्कन को आस नेक्ट संडे आवरण को लेकिन आसवा दरकार
ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଛି ସେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜୋରରେ ଆସେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆସରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ସଭାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ତାପରେ ସାଧୁ ସମାଜରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ବେଣୁରେ ଯାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତି ଜୀବନକୁ ଆସେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ମାତ୍ର ସଂଯୋଗ ହେଲା ମାନେ ଆମ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ତେଣୁ ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେ କାଲି ଆମର 12:00 ପୁଣି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି କ୍ଲାସ ଦେବେ ରାଧେଶ୍ୟାମ ପ୍ରଭୁ। ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ରାଧେଶ୍ୟାମ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିବେ, ତ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁଜୀ 12:00। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ 11:30। ପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି।